उत्तराखंड के चारों धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री में जो परंपरागत रीति से भगवान का पूजन अर्चन चला आ रहा है, सरकार का ये कर्तव्य है कि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न होने दे। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदुओं के नाम पर हिंदू परंपराओं को नष्ट करना चाहती हैं, तो उनमें विश्व हिंदू परिषद भी है। हमने अनेकों बार ये सुना है कि ऐसे लोग ये चाहते हैं कि बद्रीनाथ की मूर्ति को 6 महीने हरिद्वार में ले जाया जाए। इस तरह से यदि किसी प्रकार का भी परिवर्तन होगा तो जो परंपरा से सनातन धर्मियों की आस्था है वो शिथिल हो जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे पशुपतिनाथ में कर्नाटक के ब्राह्मण आकर पशुपतिनाथ के ऊपर संयंत्र बनाकर पूजन करते हैं, और जैसे महाराष्ट्र के ब्राह्मण रामेश्वर में जाके भगवान की पूजा करते हैं, और जैसे केरल के नम्बूदरी आकर बद्रीनाथ में भगवान का अर्चन करते हैं, उस परंपरा का लोप नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि परंपरा का लोप हो गया तो वो कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, और लोगों के हृदय में जो भगवान के उस धाम की महिमा है उस महिमा के प्रति उनकी अनास्था हो जाएगी। हम लोग केवल ये नहीं कहते कि भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति ही बद्रीनाथ है, वो मूर्ति बद्रीनाथ में जब तक है तब बद्रीनाथ है, उस धाम का भी महत्व है। नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों महत्व की वस्तु हैं, इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये जो किया जा रहा है किसी बहाने, आपने एक तो रावण को बुलाने में ही विलम्ब किया, और जब आप ये कहते हैं कोरोना से डरना नहीं चाहिए, यदि वो नहीं निकलता है तो उसकी शंका नहीं करनी चाहिए, जब आपने एक बार देख लिया कि उनके कोई ऐसा दूषण नहीं है तो आप 10 दिन के लिए क्यों रुक रहे हैं। और जो परंपरा है, जबकि भगवान शंकराचार्य की गद्दी के सामने जो प्रतिवर्ष होता है उसी समय ये निश्चय होता है कि कब पट खोलेंगे, तो जब पट खोलने का निर्णय आदि शंकराचार्य की गद्दी के सामने हो गया तो स्वाभाविक रूप से देवता वहाँ से हट जाएंगे जो शीतकाल में भगवान की पूजा करते हैं, तो वो तो हट गए, और आपने जो निश्चय किया था उस काल तक आपने रावण से पूजन भी नहीं करवाया, तो उतने समय तक भगवान अपूजित रह जाएंगे, जो देश के लिए अमंगलकारक होगा। इसलिए हमारा स्पष्ट मत है कि यथावत जो भगवान का अर्चन पूजन वहाँ चल रहा था उसको बनाए रख